हर तरीके से मैंने तय कर लिया है, अपने घर परिवार को त्याग दिया है। 17 साल हो गया मैं अपने घर नहीं गई हूँ और मैं समाज के बीच में निकल गई हूँ और गली गलियारों में घूम घूम करके बहुजन समाज के लोगों को जगा करके बहुजन समाज में बहुजन समाज के लिए जो दी गई व्यवस्था संविधान चढ़े उसको लागू कराने के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ती रहूंगी, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क हो। और आप लोग यूट्यूब खोल करके देख लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं कि मैं यही बोल रही हूँ, जो चीज मैं यहाँ बोल रही हूँ वो चीज मैं लोकसभा में बोल चुकी हूँ। 2014 में गई हूँ, 2014 में बोला है, 15 में बोला है, 16 में बोला है, 17 में बोला है, लगातार मैंने बोला है और मैं बोलती रहूंगी। जब तक हमारे अधिकार का मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं निरंतर लड़ाई लड़ती रहूंगी, लगातार संघर्ष करती रहूंगी। अगर मुझे पैदल यात्रा करना पड़ा तो पूरे भारत में घूम करके पैदल मार्च करके बहुजन समाज को जगा करके अपने कड़े आंदोलन जो बाबा साहब ने कहा था कि हमारे कारवा को अगर आगे न ले जा पाना तो पीछे भी जाने मत देना, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्या आप लोग भी तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो हमने कमर कस ली है, मैंने कमर कस ली है, भले ही मुझे चुनाव लड़ना पड़े या ना लड़ना पड़े मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। सांसद विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, टिकट मिलता है, चुनाव जीत जाते हैं, अपने बच्चे परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन जिस महापुरुष ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़ लिख करके जो लोग आगे बढ़े, जो लोग आरक्षण का लाभ उठाए, जो लोग सांसद विधायक बने, पदों पे पहुंच गए, आईएएस बने, डीपीएस बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, जो लोग आगे बढ़े वही लोग इस कारवा को नहीं बना रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसलिए भाइयों बहनों मैं अनुरोध करना चाहती हूँ इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। मैं तो पूरी तरीके से कमर कस ली हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने संविधान आरक्षण के लिए क्या आप लोग भी तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, चूंकि हमारे महामंत्री जी पीछे खड़े हैं मैं जो कुछ ज्यादा बोल गई, भाइयों बहनों मैं आप लोगों से मैंने ये भी तय किया है एक मिनट, जो मेरे शरीर पर आप लोग कपड़ा देख रहे हैं ये कपड़ा गौतम बुद्ध जी का कपड़ा है, गौतम बुद्ध जी का रंग है और गौतम बुद्ध जी का ही भारत है। गौतम बुद्ध जी का भारत था, गौतम बुद्ध जी का भारत है और गौतम बुद्ध जी का भारत रहना चाहिए, जिसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी तब भारत बचा था, आज भी भारत रहे था है रहे, इसके लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। भाइयों बहनों और मैं कहना चाहती हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए, घर बना करके जिसको मैंने दिया आज वही कहता है घर से निकल जाइए। सब कुछ हमारे बाबा ने दिया, सब कुछ बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे बाप थे और बाप की विरासत हमको मिल रही है और उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, इसलिए हमको आपको संगति दो करके हमको आपको लड़ाई लड़ना हो। मैं कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि दुनिया की चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, दुनिया की चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसी चीज होती है जो ठोकर लगने से ही मिलती है। हमको डरा रहे हैं सावित्री तुमको क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, अरे हमारा क्या होगा, संविधान सुरक्षित रहा, आरक्षण सुरक्षित रहा तो सावित्री बाई फूले को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ, मैं दलित की बेटी हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाऊंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि तन बिक रहा है, तन बिक रहा है,
पत्थर का कफन बिक रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया की मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, जीती हूँ मैं शान से, जिंदगी बदल गई हमारी भारत के संविधान से। अगर बाबा साहब ना होते आज हम यहाँ नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अपने महामंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और आए हुए हमारे सभी मंत्रियों, सभी सांसद, सभी अतिथियों का, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।